Thoughts get thrown around But we keep going on Believing And on and on till we're all cried out Cause we don't feel like throwing it all away हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इधरी सी बटन स्टोर तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लेडी बंक्स के बारे में जो कि आप में से शायद ही बहुत से कम लोग जानते होंगे कि लेडीज़ बंक्स क्या है ये एक गुलाब का पेड़ है जो कि क्लाइंबिंग टाइप का होता है और ये डबल डबल मतलब कलर में आता है एक तो या तो वाइट में आता है और दूसरा येलो में आ पैकेजिंग आप देख सकते हैं पैकेजिंग तो काफ़ी शानदार है बट जो डिलीवरी बॉयज़ है और या फिर डिलीवरी वालों की जो है लापरवाही की वजह से जो हमारा जो है पार्सल इस तरीके से डैमेज हो चुका है अंदर देखते हैं देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने दोबड़ कर दिया था या पेड़ को जबकि साफ साफ उन्होंने जिन्होंने ये मतलब प्लांट भेजे हैं उन्होंने साफ साफ ऊपर लिख रखा है कि आप जो है इस पेड़ को सावधानी से इसके अंदर जो है लाइव प्लांट है एक और इसको सावधानी से रख के आप आ, मतलब सेफली पहुँचाएँ तो उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही मेरी समझ में नहीं आती है ये डिलीवरी वालों की खैर कोई भी बात दिक्कत नहीं अंदर चलते हैं अंदर देखते हैं इस बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमें किस तरीके की कंडीशन में रहते हैं हमारे ये प्लांट्स तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा ये मैंने कहाँ से परचेस किए हैं और ये मतलब ओरिजिनल लेडीज़ बंक्स हैं या फिर जो है डुप्लीकेट माल है इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी पिछली बार अमेजोन से परचेज़ किया था तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ जा करके देख लेना क्योंकि उसका जो आ, लेडी बंक्स में जो लोग बेचते हैं वो उसमें पैकेजिंग तो हालांकि उसकी बहुत अच्छी थी रेटिंग में फाइव में से फाइव परसेंट देना चाहूँगा बट जो है उसका जो प्लान था वो एक ग्राफ्टेड हाई ब्रिड रोज था शायद मेरे ख्याल से और उसमें जो है डाईबैक भी लगा हुआ था तो वो मेरा प्लान मर चुका है वो इस वीडियो में एंड में दिखाऊँगा उसका अपडेट तो दोस्तों ये हमारा बॉक्स जो हो चुका है ओपन ओपन होने के बाद ये देखिए ये हमारे दो प्लांट जो के लिखने हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में और लेडी बंक्स की पहचान भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि इसकी पहचान क्या चीज़ है तो वो हालांकि मैंने दोबारा से इसको परचेज़ किया मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको जो है ख़रीदा है और ये बंक्स जो है आसानी से जहाँ नहीं मिलती है पहली चीज़ तो इसके लीफ जो है गुलाब से बिल्कुल एकदम डिफरेंट होंगे और लम्बे लम्बे से देखने में होंगे ये लीफ इनके देख सकते हैं आप इनकी पत्तियाँ और दूसरी चीज़ जो होगी दूसरी चीज़ वो ये है कि इसके अंदर का मतलब जो है कोई भी कांटे नाम की कोई भी चीज नहीं होगी कांटा एक भी नहीं होता है इसके अंदर जैसा कि मैंने पिछली बार जो अमेज़ोन से परचेज़ किया था उसमें मुझे आ, मतलब फ़ील हुआ था कि एक आध जगह पर शायद काटा था वहाँ पर बट अभी मैं उसका पूरी तरीके से कह नहीं सकता कि वो ओरिजिनल था या लोकल था तो ये मेरे प्लांट्स जो है इसकी जो कॉस्ट है मैं आपको बताऊँगा तो इसकी कॉस्ट जो है एक प्लांट की वैसे तो फोर हंड्रेड है अगर आप कॉम्बो पैक में दो ख़रीदते हैं तो आपको ये सेवन हंड्रेड के पड़ेंगे दो प्लांट्स और जो कि आप इन ये जो मैंने परचेज़ किए हैं वो किए हैं पौध से जो कि देहरादून में है उत्तराखंड में तो आप चाहें तो वहाँ अगर आप लोकल निवासी हैं तो आप जाकर के पौधशाला में जो है विज़िट करके भी खरीद सकते हैं और दूसरी चीज़ जो है वहाँ से आ, आप जो है मैं वेबसाइट का लिंक और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा वहाँ जा के भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो ये मेरा एक प्लांट जो है जिसकी ब्रांच जो है टूटी हुई निकली थी इसको मैंने और देखा आपने किस तरीके से मैंने और ये काफ़ी अच्छे से जो है रुक चुका है ये मजबूती के साथ जो है मतलब ठहर चुका है बाद में बाकी बात जो है बाद में बताऊंगा मैं इसका अपडेट के मतलब जो है क्या इसमें नई शूट शुरू हुई या नहीं हुई तो हालांकि इस प्लांट्स की देखें आप कंडीशन कितनी बेहतरीन है और काफ़ी मतलब लगभग इसकी हाइट होगी एक फिट से भी ज़्यादा की हाइट है इसकी तो इसमें मुझे जो है ना किसी भी तरीके की कोई इनसे शिकायत नहीं है पौधशाला अजीत 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 करके नाम इनका कुछ है तो मैंने तो इनका अजीत बंक्सिया रोज करके इनका जो है नंबर सेव किया हुआ है हालाँ तो इनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो मैं हालांकि प्रोवाइड करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चाहें तो अगर आपको प्लांट की हेल्थ अच्छी लगती है या प्लांट आपको अच्छे लगते हैं इस वीडियो में ही मैं आपको इसको लगा करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको लगाना है और कितने बड़े स्पॉट में साइज में लगाना है वो सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में आप वीडियो को अंत तक बने रहें और दोस्तों अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी वीडियो जानना चाहते हैं उनके बारे में और अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और बगल वाले बैल के आइकन को भी ज़रूर से दबा लें देखिए इस बॉक्स के अंदर और लीव जो थी वो झड़ चुकी हैं और बाकी हमारा बॉक्स खाली है आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट दो दिन के बाद जो है आज लगभग जो है मेरे ख़्याल से तारीख है लगभग ग्यारह तारीख है आज अक्टूबर की तो आज मैं इसको जो है शिफ्ट करने वाला हूँ शिफ्ट करूँगा मैं ग्रोबैक्स के अंदर जो कि मैंने कल वीडियो अपलोड की थी ग्रो बैक्स के जो जियो फेब्रिक्स बैग तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे, दे दूँगा चाहे तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि ग्रोबैक्स तो मतलब मैं कौन से वाले यूज़ करता हूँ आज तो इसके लिए हमने ग्रो बैग लिया बारह बाई बारह का जिसका साइज़ है और दूसरी चीज़ राइस हस के लिए है जो कि मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ रोज़ प्लांट के लिए मतलब जनरली और तीसरी चीज दूसरी चीज़ जो मेरी थी वह है गार्डन सॉयल और तीसरी बर्मी कंपोस्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं जो कि मैं तुषार भाई से परचेस करता रहता हूँ पचास के जी का जो है 10 पर जी के हिसाब से पड़ जाती है और तीसरी चीज जो मेरी है वो साफ है और ये मेरा देखिए वही वाला बंक्स का प्लांट है जो मैंने अमेजोन से परचेस किया था जिसमें डाई डायबैक लगा हुआ था काफी बुरी तरीके से इसका जो है खत्म हो चुका है ये पौधा मेरा तो मैं इसको अभी निकाल कर दिखाता हूँ और इसकी मिट्टी जो है ये मैं दोबारा से रियूज करूँगा अभी के अभी इसी दूसरे बंक्स के अंदर और ये देखिए किस तरीके से इसकी कंडीशन हालत ख़राब हो रखी है और इसका प्लान जो है मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि अमेजोन पे जाकर के आप परचेस करें मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी सर्टिफाइड जो है आपकी नज़र में कोई लोकल नर्सरी हो आपको अगर वहाँ से इजीली प्रोवाइड हो जाए तो ठीक है वरना आप इनके पास से अजीत भाई के पास से परचेस कर सकते हैं काफ़ी मुझे मतलब जैन पर्सन लगे ये और मतलब प्लांट भी काफ़ी हेल्थी लगे इनके मुझे जो इन्होंने मुझे भेजे हैं तो और जो है ये देखिए मैं इनको मिलाने के बाद मिलता हूँ आपको फाइनल में मैंने इसको मिक्स कर लिया है इस सारे मीडिया को तो मीडिया मिक्स करने के बाद जो है मेरा ग्रो बैग जो है बारह बाई बारह का है ये और इसकी इसमें मैं क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम एकदम लाजवाब है और फिर मैंने इसके गोल्डन कलर इनसे परचेस किए थे अग, क्या बोलते हैं अभिषेक भाई से तो इसका जो गोल्डन कलर इसलिए मैंने परचेस किया क्योंकि अगर इसमें से कभी भी मान लीजिए इसका जो पुराना होता दो साल बाद या तीन साल बाद या एक साल के बाद इसके पानी के निकलने के साथ साथ जो मिट्टी का कलर आता है गोल्डन टाइप का तो इसमें जो है वो गंदा नहीं होगा दिखेगा नहीं गोल्डन मिट्टी अलग से अगर मैं हरा कलर लेता एकदम से या लाल कलर लेता तो उसमें अलग से दिखना शुरू हो जाता गंदा गंदा सा दिखता तो इस वजह से मैंने इसको जो है गोल्डन कलर को परचेज़ किया और ये देखिए इसका भरने का तरीक़ा क्या है वो आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसी तरीके से भरते रहिए मैं आने वाले समय में इसी तरीके से सारे के सारे गुलाब अपने हम बदलने वाला हूँ क्योंकि अब मौसम ठंडा हो चुका है यहाँ पर लगभग जो है अभी फ़िलहाल सुबह में बहुत अच्छा है अभी शाम में भी ठीक ठाक है दोपहर में भी ठीक नहीं है तो ये मेरा जो है बंक्स का ये देखिए ये क्लाइंबिंग है इसका अगर आप अभी जब इसका जब फटाव पे आएगा जब इसका फ़्लावर आएगा तब आप इसकी जो है कंडीशन देखने काबिल दीद होगी तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर कराऊँगा इन उम्मीद है ये हंड्रेड परसेंट सर्वाइव होगा और कंडीशन इसकी हेल्थ इतनी अच्छी है और इसके अंदर इतनी सारी ब्रांचेस हैं काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जो कि जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरीके के प्लांट की जो कि मुझे पौधशाला डॉट से मतलब मैंने परचेज़ किया है उसका तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे परचेस करने के बाद और इनकी जो डिलीवरी है वो लगभग सात से आठ दस आठ दिन में आ जाती है पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी बट जो है डिलीवरी वालों की थोड़ी सी लापरवाही के कारण क्योंकि ये बंक्स है एक क्लाइंबिंग वाली बेल है जो हाइब्रिड की तरह इसकी जो है ब्रांच हार्ड नहीं होती है इस वजह से वो थोड़ी सी नहीं टूटी अगर ये जो है अगर हाइब्रिड रोज होता हमारा और डिलीवरी के दौरान इस तरीके से कर देते जैसे मैंने आपको शुरू में कंडीशन दिखाई थी डिलीवरी वालों की किस तरीके से उन्होंने बॉक्स को दोबार कर दिया था मतलब मोड़ दिया था कर दिया था तो वो अगर होता तो हमारा प्लांट हंड्रेड परसेंट हो जाता या फिर एरिया जाता, जाता तो ये, ये रेडी हो गया तरीके से मैं दूसरे वाले को भी लगा दूंगा। तो ये मेरा जो है ये वीडियो मेरा अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें गार्डनिंग से रिलेटेड आप अगर कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर आप किस तरीके से वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं और वेट है और इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर प्लांट भी काफ़ी खुश रहेंगे तो मैं इसमें जो है अंत में आखिर में इसके साफ लगा करके और इसको पानी लगा देता हूँ पानी जो है बच्चे ने डाल दिया है अभी जैसा कि आपको जड़ से नहीं देना है बिल्कुल हटा करके देना है पानी को तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसको जो है हो सके तो छायादार जगह पर रखें आप और ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम इसका पानी नीचे आ चुका है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए खुदा हाफ़